हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूरज मेडिसन में। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एके और आप देख रहे हैं सूरज मेडिसन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनेक्सामिक एसिड और मेफेनामिक एसिड की कंपोजिशन वाली टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या यूज हैं, क्या इसकी डोज है और इसके साथ ही क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। गाइज, ये बहुत ही प्रयोग में ली जाने वाली टैबलेट है। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड और मेफेनामिक एसिड दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसके काफ़ी अच्छे अपने रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। गाइस, इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड एक एंटी फाइब्रिनोलिटिक एसिड है और मेफेनामिक एसिड एक NSAID ग्रुप की मेडिसिन है, जिसे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। गाइस, इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड 500 mg की मात्रा में और मेफेनामिक एसिड 250 mg की मात्रा में आपको मिलती है। जब भी आप मेडिकल स्टोर पर इस मेडिसिन को खरीदने जाते हैं तो ये आपको अपने कंपोजिशन के नाम से ना मिलकर अपने ब्रांड नेम से मिलती है। ब्रांड नेम वह नाम होते हैं जो दवा कंपनी द्वारा दवा को दिए जाते हैं, जिससे कि आपको ये मेडिकल पर मिल सके। गाइस, बात कर लेते हैं हम इसके ब्रांड नेम के बारे में। तो ट्रॉपिक MF टेबलेट, पाउज MF टेबलेट, टेक्साकाइंड MF टेबलेट, क्लिप MF टेबलेट, मेफ्टाल TX टेबलेट, ट्रांसोस्टेट MF टेबलेट, जो कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। एरिया वाइज इसके ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, बट सब में कंपोजिशन इसका सेम ही मिलता है, तो आप किसी भी ब्रांड नेम की टेबलेट मार्केट से खरीद सकते हैं। यह मेल या फीमेल या 12 वर्ष से अधिक बच्चों में सभी में इसकी डोज दी जाती है, बट इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो महिलाओं में किया जाता है। इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है और इसके साथ ही इसमें मेफेनामिक एसिड, जो कि एक NSAID ग्रुप की मेडिसिन है, ये दर्द और सूजन से पेशेंट को राहत देती है। इस टैबलेट का मेनली यूज महिलाओं में किया जाता है, उस समय किया जाता है जब महिलाओं को पीरियड के समय ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, साथ ही साथ पेट में दर्द रहता है, तब ये कॉम्बिनेशन की मेडिसिन महिलाओं को दी जाती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या उस समय उसको ब्लीडिंग आने लगती है, तब महिलाओं को ये मेडिसिन दी जाती है। इसके साथ ही अगर किसी महिला का मिसकैरेज हो गया है और लगातार बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय भी महिलाओं में ये टैबलेट दी जाती है। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी महिला को वेजिनल ब्लीडिंग किसी वजह से हो रही है तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर की समस्या है, किडनी में ब्लीडिंग हो रही है या हेमोरेज की समस्या है, या दांत में दर्द या खून बह रहा हो, तब उस समय भी इस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। गाइस, इसको ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं गाइस हम इसके डोज के बारे में। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार करें, क्योंकि गाइस डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन और बॉडी वेट को देखते हुए मेडिसिन की एडवाइस देते हैं। सामान्यतः डॉक्टर इसकी जो डोज का इस्तेमाल कराते हैं वो एज और वेट के हिसाब से कराते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम एक टैबलेट से सॉल्व हो जाती है तो आपको इसकी दूसरी टैबलेट नहीं लेना है। इसी के साथ नॉर्मली जो डॉक्टर्स का इस्तेमाल कराते हैं वो 3 से 5 दिन करा सकते हैं। अगर समस्या ज़्यादा है तो 7 से 21 दिन भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। गाय, ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट ब्रीडिंग में बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। इसका प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट ब्रीडिंग में इसका कोई साइड इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलता है। गाइस, इसके साथ ही बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसका जो कॉमनली साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, उसमें आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, साथ ही साथ नाक बंद हो सकती है या नाक में सूजन की समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है या लूज मोशन की समस्या हो सकती है। तो गाइस, अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको देखने के लिए मिलती है तो आप तुरंत इसके इस्तेमाल को रोक दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। गाइस, इसकी 10 टैबलेट की इसके मार्केट में 302.50 रुपये में मिल जाती है, यानी कि 32 रुपये इसकी एक टैबलेट की कीमत है। गाइस, ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही इसका इस्तेमाल करें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। गाइस, यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चर डेट है जो कि अप्रैल 2021, और यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट मार्च 2023 है, यानी कि मार्च 2023 तक आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी ट्रेनोस्टेट MF टैबलेट के बारे में जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। गाइस, आप देख रहे थे सूरज मेडिसिन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम नई नई दवाइयों की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।